Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the Master Vocab Series 11-1 Lesson 5. So before starting the session, I would like to say something to you. जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारा regular basis पे series आ रहा है vocab का, reading comprehension का, para jumbles का. तो आपसे request है कि आप please उसको like करिए, अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ share करिए, क्योंकि वही रियल मोटिवेशन है बिहाइंड मेकिंग द वीडियोस. और आप अपना लव और सपोर्ट देते रहिएगा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा आपके लिए. सो मेरा आपसे ये एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है. सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अवर्ट. सो अवर्ट का मीनिंग क्या होता है? टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, किसी अप्रिय घटना को होने से रोकना. ठीक है, अप्रिय घटना को रोक लेना. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? Not interesting in care about somebody or something. मतलब किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं होना. तो किसी व्यक्ति या वस्तु में रुचि ना होना. ठीक है, इसका मतलब साधारण भी होता है. ठीक है, इन्फर. इन्फर का क्या होता है मीनिंग? टू फॉर्म एन ओपिनियन और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया परिणाम या इसका एक और मतलब हो गया, सॉरी, परिणाम निकालना होगा इसका मतलब. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. तो इंटीग्रिटी कहाँ दिखाता है? इंटीग्रिटी हम वहां पे करते हैं जहां हमारा वर्क प्लेस होता है, मतलब हम ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? ईमानदार या ईमानदारी दिखाना. ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? नैतिकता. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? इंट्रूड. इंट्रूड मतलब क्या होता है? टू एंटर अ प्लेस और सिचुएशन विदाउट परमिशन और when you are not allowed. ठीक है, कहीं पे भी घुस जाना, ठीक है, without permission. ठीक है, जैसे मान लिया कहीं बोर्ड मीटिंग चल रही है, वहाँ पे आप अचानक से घुस जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रूजन हो जाएगा. या भारत पाक सीमा पे क्या होता है, जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? इंट्रूजन करते हैं, इंट्रूड करते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? घुसपैठ करना. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैविश. स्पेंडिंग, इसका मतलब क्या हो गया? स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत पैसा खर्चीला. जो खर्चीला पर्सन होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए क्या करता है? हर जगह पैसा दिखाएगा कि मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ खरीदेगा, जो चीज दिखेगा सब चीज खरीदने लगेगा. ठीक है, तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलेंगे? लैविश. तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? खर्चीला. ठीक है, या फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं. ओके, मिनिएचर क्या होता है? आई स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग विच इज मच लार्जर, मतलब एक ट्रेन है. ट्रेन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मगर उसका क्या होता है? जो टॉय जो आता है तो वो क्या होता है? मिनिएचर उसको हम बोलेंगे. ठीक है, मतलब हो गया बड़े आकार के वस्तु का लघु रूप.
बड़े आकार के वस्तु का छोटा रूप या लघु रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नोटेबल। नोटेबल मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इनफ टू रिसीव अटेंशन। तो नोटेबल कौन होता है? नोटेबल वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है उस एरिया में, ठीक है, या उसका कुछ काम ऐसा होता है जो बहुत ही प्रचलित होता है। तो उस टाइप के पर्सन या उस टाइप के जो अचीवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? नोटेबल। तो उसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? ध्यान देने योग्य। ठीक है, तो हम ध्यान किस पे देते हैं? कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नोटेबल। बुरे काम के लिए भी देते हैं मगर उसके लिए दूसरा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटोरियस। तो नोटोरियस हम किसको बोलते हैं? जो वेल नोन फॉर समथिंग बैड। यहाँ पे ये बैड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये निगेटिव एस्पेक्ट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये अच्छे आदमी के लिए यूज नहीं होता है, ये बुरे आदमी के लिए यूज होता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? बदनामी, ठीक है, बदनामी या कुख्याति। कुख्याति, ठीक है, बोलते हैं ना कुख्यात अपराधी है, ठीक है। तो वो बुरे बुरे तरह के लोगों के लिए हम यूज करते हैं नोटोरियस, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? अ सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। न्यूक्लियस सिर्फ हम एटम के रेस्पेक्ट में नहीं समझते हैं, न्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंटर हो सकता है, किसी भी चीज़ का केंद्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, केंद्र। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? क्वालिटी और एबिलिटीज दैट समबडी समथिंग हैज बट मे नॉट बी फुली डेवलप्ड। मतलब कि पोटेंशियल उस चीज को बोलते हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी है मौजूद, ठीक है, मगर उस समय वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि कोई भी एक ऐसा आपके अंदर जब क्वालिटी होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं बैडमिंटन खेलने में, ठीक है, बट अभी आप क्या है, अभी आप लर्निंग स्टेज में, अभी आप उसमें महारत हासिल नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपके अंदर कहीं ना कहीं हिडन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो उसको हम क्या लिखेंगे? व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान गुण। ठीक है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर कौन होता है? अ पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ। मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन है, मान लीजिए सुपरिटेंडेंट का पोजीशन है या आपका चीफ इंजीनियर का पोजीशन है, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए अभी आप उस पोजीशन पे हैं, चीफ इंजीनियर का पोजीशन पे, तो आपके पहले जो पर्सन जो उस पोजीशन पे होगा वो क्या हो गया? आपका प्रेडिसेसर हो गया, ठीक है, मतलब आपका जो सीनियर हो गया वो क्या हो गया? प्रेडिसेसर हो गया। तो उसको हम क्या लिखेंगे? पूर्वनति, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अधिकारी, ठीक है, जो पहले आपसे पहले वहां पे उस पोजीशन पे बैठा हुआ था, उसको हम बोलेंगे प्रेडिसेसर। नेक्स्ट क्या है? प्रेस्टीज क्या होता है? प्रेस्टीज होता है एडमिरेशन दैट पीपल फील फॉर द पर्सन बिकॉज ही और शी हैज अ हाई सोशल पोजीशन, ठीक है। प्रेस्टीज किसका होता है? प्रेस्टीज किसी गरीब का तो प्रेस्टीज होगा नहीं, ठीक है, जो अमीर होगा, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर गया होगा, ठीक है, तो उस पर्सन का क्या होता है? प्रेस्टीज होता है, ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सफल व्यक्ति के लिए आदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेस्टीज बोलेंगे। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड क्या होता है, टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और सरफेस। ठीक है, तो प्रोट्रूड का मतलब क्या हम समझते हैं कि कहीं से भी निकल जाना। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि घर में कहीं पे सीलन लगा हुआ रहता है, तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कहीं फंगस जम गया है, या फिर मशरूम, मशरूम जो होता है तो मशरूम देखिए कि कहीं पे भी जम जाता है, ठीक है, वो कहीं से भी निकल आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोट्रूड मतलब बाहर की ओर निकलना, बाहर की ओर निकलना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोट्रूड। या फिर हम प्रोट्रूड को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो जब हम बच्चे होते हैं उस समय हमारे माता पिता रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों का हैबिट क्या होता है कि वो खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अपना हाथ जो है बाहर नहीं निकालो, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, प्रोट्रूड हो गया। ओके नेक्स्ट है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, मतलब किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूट बोलते हैं। तो इसका हिंदी में हम क्या लिख लेंगे, सॉरी, दृढ़ निश्चय, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर इन विच अ नंबर ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है, तो कोई भी काम को करने का एक प्रक्रिया होता है, उसका एक सही तरीका होता है, और वो काम तभी खत्म हो सकता है या अच्छे तरीके हो सकता है जब उसको हम सीक्वेंस में करें, मतलब ऑर्डर में करें, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बना रहे हो तो पहले ऐसा तो नहीं कि पहले आप आलू डाल दोगे उसके बाद फिर तेल डालोगे, है ना, पहले तेल डालोगे फिर फौरन डालोगे उसके बाद ही फिर आप आलू डालोगे, है ना, तो उसका क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, एक सही सीक्वेंस होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रम में होने वाली घटनाएं, क्रम में होने वाली घटनाएं, ओके ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस क्या होता है, हैपनिंग और डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। साइमल्टेनियस क्या होता है, जब एक साथ आप दो काम एक साथ होते हैं, ठीक है, या आप करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। कोई जरूरी नहीं कि आप ही कर रहे हो, बट आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता है कि मान लीजिए आप खड़े हैं और कुछ ऐसा एक घटना दो एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज को ऑब्जर्व तो कर सकते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ ये और ये दोनों साथ साथ हो रहा था, ये दोनों घटना, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक ही समय में, एक ही समय में होने वाली दो घटनाएं, ठीक है, तो जनरली दो के सेंस में ही हम बात करते हैं, ठीक है, मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही होगा, और भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है, बट ये होना चाहिए कि जब भी हो तो सब साथ साथ हो, इसका मेन मतलब यही होता है कि एक साथ ही तीनों चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या दोनों चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉलिसिट। ठीक है, सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर मनी हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, तो सॉलिसिट कब बोलते हैं, जब हम किसी से हम हेल्प मांगते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, ठीक है, आप किसी और का किसी दूसरे एस्पेक्ट में भी हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके के हेल्प को हम क्या बोलते हैं, सॉलिसिट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, सहायता, ठीक है,
सहायता आदि मांगना। सहायता आदि मांगना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्सटाइल तो सबको पता ही होगा, जो भी कपड़ा जो फैक्ट्री में जो तैयार होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है। कारखाने में जो बना हुआ कपड़ा होता है उसको टेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर मतलब होता है अ वे समथिंग फील्स व्हेन यू टच इट, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टच वाला जो सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो कब कब एक्टिवेट होता है? जब हम किसी चीज़ को हम छूते हैं, ठीक है। टेक्सचर का पता आपको तभी चलेगा किसी चीज़ का जब आप उसको हाथ से छूओगे या फील करोगे, ठीक है। अब हमारे टोटल 20 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है? हमें एक्सरसाइज करना है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आप इसको खुद से करें, ठीक है। और अगर आप खुद से करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा लर्निंग नहीं, मुझे तो पता ही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आइए, आपको सीखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होना है। तो मैं अगर कर दूंगा और आप उसको देख लोगे तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप उसे खुद से करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड भी खोल देता हूँ और आप उसको वहाँ से वहाँ पर भी आप, नाउ आई गेस यू मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज ए को शुरू करते हैं। तो क्या बोलता है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो सिमिलर तरह के वर्ड्स हैं और उनमें कुछ छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि इनमें से पता करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो इसको चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या सेंटेंस है? डोंट लेट योर आर्म डैश फ्रॉम द कार व्हेन यू आर ड्राइविंग, इट मे कन्फ्यूज दोज बिहाइंड, ठीक है। यहाँ पे इंट्रूड होगा या प्रोट्रूड होगा, ठीक है। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तो उस समय क्या होता था कि आपके पेरेंट्स बोलते थे कि खिड़की से हाथ बाहर मत निकालो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रूड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोट्रूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Many dash criminals have been confined in this prison, ठीक है। प्रिजन की बात हो रही है, क्रिमिनल्स की बात हो रही है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा? तो क्रिमिनल्स हैं ये तो समाज के गंदे टाइप के जो लोग होते हैं उनको क्रिमिनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नोटोरियस, है ना। अच्छे आदमी के लिए तो यूज नहीं करते हैं इसको नोटोरियस को, ये बुरे आदमी लोग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी आर होल्डिंग अ मीटिंग हेयर, प्लीज डू नॉट डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रूड होगा, इंट्रूजन। इंट्रूजन का मैंने आपको अभी बताया था कि इंट्रूड कहाँ होता है यूज, इंट्रूजन कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रूड होगा, क्योंकि वहाँ पे बिना बुलाए आप पहुँच गए, ठीक है। आप वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, अब फिर भी आप वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उस टाइप के एक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रूड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? द वर्दी जज वॉज अ डैश फिगर इन आवर टाउन फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। जज के बारे में बात कर रहे हैं, जज किस टाइप का पर्सन होता है? अच्छा अच्छा इंसान होता है जो सही और गलत का फैसला करता है, ठीक है। तो वो किस टाइप का फिगर है? फिगर मतलब ये नहीं कि उसका कमर की चौड़ाई क्या है, ठीक है, छाती का क्या नाप है, वो नहीं। फिगर मतलब हो गया कि उसका एक रेपुटेशन के बारे में, उसको रेपुटेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फिगर, ठीक है। तो द वर्दी जज वॉज अ क्या? नोटेबल फिगर, ठीक है। तो अच्छा पर्सन है, नोटेबल मतलब ध्यान देने योग्य जो पर्सन है, तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलेंगे? नोटेबल बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने पहले जो वर्ड्स डिस्कस किए उसी में से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो पहला क्या है? द स्टैम्प्स यू गेव मी फॉर्म्ड द डैश ऑफ माई कलेक्शन, ठीक है। स्टैम्प्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, स्टैम्प्स के बारे में बात कर रहा है और क्या बोल रहा है? डैश ऑफ माई कलेक्शन क्या फॉर्म कर सकता है आपके कलेक्शन का? आपके कलेक्शन का केंद्र बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप कलेक्शन स्टार्ट नहीं किया हो बट उन्होंने जो स्टैम्प्स आपको दिए हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि आपका क्या एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो गया स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो
धीरे धीरे आप क्या करना है उसको करने लगे, आप उसका कलेक्शन शुरू करने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, द बॉय मेड अ डैश लोकोमोटिव विच रन्स वेल ऑन ट्रैक्स एंड इंच वाइड, ठीक है। तो ये इंच वाइड है मतलब उसका बता रहा है कि चौड़ाई क्या है, ठीक है। और लोकोमोटिव, लोकोमोटिव क्या होता है, लोकोमोटिव इंजन के बारे में हमने सुना होगा ट्रेन में, ठीक है। तो वो एक बच्चा है, बच्चा तो ट्रेन तो बनाएगा नहीं, ये तो नॉर्मल सा हमें समझ में आना चाहिए। तो वो क्या होगा, ट्रेन का छोटा वर्जन बनाया होगा, एक उसका एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, मिनिएचर वर्जन बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिएचर आएगा। नेक्स्ट क्या है, द बैंक मैनेजर इज अ मैन ऑफ डैश एंड कैन बी फुल्ली ट्रस्टेड। तो बैंक मैनेजर के बारे में बात कर रहा है, बैंक मैनेजर क्या करता है, पैसे में डील करता है, ठीक है, आम जनता के, आम जनता के पैसों को सही से ऑपरेट करता है, उसको सही जगह यूटिलाइज करता है। तो बैंक मैनेजर का पर्सन कैसा होना चाहिए, जो इंटीग्रिटी को साथ ना काम करता हो, ठीक है, है ना। तो ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। इंटीग्रिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने, जो ईमानदार होता है। अगर बैंक मैनेजर ही चोर निकल जाएगा तो क्या होगा, आपका पैसा सब इधर उधर कर देगा, ठीक है। आजकल तो वो भी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पे, जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो किसी का ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर दिया, ठीक है। तो वैसा वैसा पर्सन को बैंक में अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस टाइप के पर्सन को नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। ऐसे पर्सन को होना चाहिए जिसपे हम अपना भरोसा करके अपना पैसा वहाँ पर जमा कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर फियर ऑफ लोवरिंग हिज डैश द ओरिएंटल रूलर वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रूलर है, ओरिएंटल रूलर, ठीक है, और उसको क्या बोल रहा है, फॉर फियर ऑफ लोवरिंग हिज डैश, ठीक है, उसको किसी चीज़ का डर है, किस चीज़ का डर है, ठीक है, आगे देखते हैं। वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स किसको बोल रहा है, सब्जेक्ट्स मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वो नहीं बोल रहा, सब्जेक्ट्स मतलब जो पर्सन जो होते हैं, ठीक है, जो उसके, तो उनको पता है कि अगर उनके साथ अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, उनका क्या होगा, वो आपको हो सकता है कि आपको बेइज्जत कर दे बीच में, है ना। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, आपका प्रेस्टीज क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेस्टीज होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, तो पांचवा क्या है, वी हैड प्लान टू डैश हिज हेल्प बट ही इज आउट ऑफ टाउन। तो क्या बोल रहा है, वी हैड प्लान टू क्या होता है, मतलब किसी का हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ाया था अभी, सॉलिसिट, ठीक है। सॉलिसिट मतलब हमने क्या पढ़ा था, किसी का सहायता या समर्थन आदि मांगना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सॉलिसिट। द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड बाई द डैश अराइवल ऑफ द ट्रेन एंड द कार एट द क्रॉसिंग, मतलब जो रेलवे क्रॉसिंग जो होता है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक और जो रोड जहाँ पे आके मिलता है, तो वहाँ पे क्या करता है, एक रेलवे क्रॉसिंग बना दिया जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट वहीं पे जनरली होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बैरिगेट्स लगाए रहते हैं, बट फिर भी कुछ लोग जो मंदबुद्धि होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैरिगेट्स के नीचे से भी गाड़ी निकाल के ले जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होता है, उन्हें पता नहीं अमेरिका जाना रहता है, कहाँ जाना रहता है, ठीक है। तो उस टाइप के लोगों को क्या होता है, उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें अभी नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का अराइवल, यहाँ पे अराइवल बोल रहा है ना, ट्रेन और कार का अराइवल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अराइव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियस होगा, तभी तो होगा, मतलब एक साथ दोनों होगा, है ना, ठीक है। जब एक साथ दोनों अराइव कर रहा है, ट्रेन और कार दोनों, ठीक है, जिसके वजह से एक्सीडेंट हो गया, है ना। अगर अलग अलग होता तब तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सेवन क्या है, द रेसेस मस्ट बी रन ऑफ इन देयर प्रॉपर डैश, ठीक है। रेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको रन ऑफ होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस में होता भी तो सबका इवेंट होगा ना, जैसा होता है 4x400 होता है, 100 मीटर रेस होता है, 50 मीटर रेस होता है, ठीक है। तो उनको क्या है, उनका एक लिस्ट तैयार रहता है कि आपको ऐसे ऐसे कंडक्ट करना है, ठीक है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तो सब चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मदर कंसिडर्स हर सन अ डैश जीनियस, ठीक है।
अच्छा, जीनियस किसको बोलते हैं? जो बहुत बुद्धिमान होता है, ठीक है। यहाँ पे सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे माँ के बारे में बात कर रहा है। तो एक छोटा बच्चा है, तो वो उसको बोल रहा है कि वो जीनियस है, मगर किस टाइप का जीनियस है? ठीक है, पोटेंशियल जीनियस होगा, ठीक है। जो जीनियस पर्सन होते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके लक्षण जो है उनके बचपन से ही दिखने लगते हैं, ठीक है। तो उनके माँ बाप को पता चल जाता है कि ये आगे जाकर ये बहुत बड़ा एक विद्वान पर्सन बनेगा, ठीक है। तो उनके वो अपने बच्चे के अंदर क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एम आई टू डैश फ्रॉम योर रिमार्क डैट यू डू नॉट लाइक माई कजन? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम आई टू इनफर, ठीक है, फ्रॉम योर रिमार्क डैट यू डू नॉट लाइक माई कजन। बोल रहा है कि क्या मैं इस आपके रिमार्क से, आपने जो भी टिप्पणी की है, रिमार्क आपने जो भी टिप्पणी की है, उससे मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ कि आप मेरे कजन को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ वुल एंड कॉटन इज यूज्ड टू मेक अ ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, है ना। अब वो बोल रहा है वुल और कॉटन, तो वुल और कॉटन से क्या बनता है, टेक्सटाइल बनता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। टू मेक अ ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है, तो क्या बनेगा, टेक्सटाइल ही बनेगा, और क्या बनाओ, है ना। नेक्स्ट क्या है, द न्यू सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट के बारे में बात हो रही है, इज बेटर लाइक्ड देन हिज प्रेडेसेसर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप इस आपके पहले, जैसे मान लीजिए कि आप उस अभी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे वहां पे नियुक्त हुए हो, ठीक है, और आपसे पहले कोई सुपरिटेंडेंट होगा, तो बोल रहा है कि आप जो हैं वो पहले वाले से ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो कभी कभी सच भी होता है, कभी कभी कोई क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करने के लिए भी कोई कोई बात ये बात बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ यू आर अ डैश इन योर पर्पस यू विल श्योरली सक्सीड। क्या होगा इफ यू आर अ डैश इन योर पर्पस, ठीक है, पर्पस के बारे में बात हो रही है ना, और सक्सीडिंग के बारे में बात हो रही है। तो आप सक्सीड अपने पर्पस में कब करोगे, आपको ये सोचना है, ठीक है। आप तभी करोगे जब आप अपने पर्पस में रेजोल्यूट होगे, ठीक है। और रेजोल्यूट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, रेजोल्यूट का मीनिंग हमने पढ़ा था दृढ़ निश्चय, जो अपने पर्पस को लेके बहुत ही दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। तो वही पर्सन क्या होगा, सक्सीड करता है लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू शुड नॉट बी डैश टू द सफरिंग्स ऑफ अदर, ठीक है। दूसरों के सफरिंग मतलब दूसरों के कष्ट को देख के आपको क्या नहीं होना चाहिए, एक जनरल इंसान क्या करता है, ठीक है। यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट, ठीक है। तो इनडिफरेंट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, इनडिफरेंट का मीनिंग हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति या वस्तु के में रुचि ना होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरे के सफरिंग्स को देख के। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू डैश एन एपिडेमिक, एपिडेमिक द रेड क्रॉस रस्ट मेडिकल सप्लाईज टू द रिमोट सेटलमेंट, मतलब दूर दराज का इलाका, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डैश एन एपिडेमिक, एपिडेमिक जब आ गया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू एवर्ट, है ना। एवर्ट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एवर्ट का मीनिंग हमने पढ़ा था कि किसी भी अप्रिय घटना को रोक लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, एवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट बी टू डैश विथ योर सर्विंग्स और देयर विल नॉट बी एनफ डेजर्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर डेजर्ट वो रेत को नहीं बोल रहा है, डेजर्ट बोला जाता है जो खाने वाला, जो लास्ट में जो हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद मिठाई जो खाया जाता है या कुछ भी मीठा खाया जाता है उसको डेजर्ट बोलते हैं, चॉकलेट भी हो सकता है या रसगुल्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मीठा हो, ठीक है। तो डू नॉट बी टू डैश विथ योर सर्विंग्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आप ज्यादा लेविश नहीं हो, है ना, डू नॉट बी टू लेविश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेविश मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि आप, अब मान लिए कि 10 लोग हैं आपके पार्टी में आए हुए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने हर पर्सन के लिए दो दो मंगाए, मतलब आपने 20 रसगुल्ला मंगाया है, ठीक है। अब कोई वहाँ पे है जो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है कि हम जितना ज़्यादा खा सकें, ठीक है,
वो चार चार पांच पांच रसगुल्ला खा जा रहा है, तो बाकी लोग के लिए तो बचेगा नहीं ना डिजर्ट, ठीक है। तो लैविश का मतलब यहाँ पे ये हुआ। ओके नेक्स्ट क्या है, यू कैन टेल बाई द डैश ऑफ हिज क्लोथ डैट इट विल वियर वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोथ का हमने क्या पढ़ा था, हमने क्लोथ के बारे में कि क्लोथ को जब हम छूते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, उसके टेक्सचर का पता चलता है। टेक्सचर क्या होता है, जो फील होता है, ठीक है। जब हम किसी क्लोथ को, जब किसी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तो उसका एक अलग टाइप का एक अनुभव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर, ठीक है। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इंक्लूड द वर्ड्स बिलो इन अ स्पीच टू सपोर्ट ऑफ अ बॉय और अ गर्ल हु इज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ अ स्टूडेंट्स काउंसिल, ठीक है। एक कोई भी लड़का है या लड़की है जो इस स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंसी के लिए वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक स्पीच लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको इन सब वर्ड्स का आपको यूज करना है, इंडिफरेंट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, लैविश हो गया, नोटेबल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पोटेंशियल हो गया, प्रेडिसेसर हो गया, प्रेस्टीज हो गया, रेजोल्यूट हो गया और सॉलिसिट हो गया आपका, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स यूज करते हुए आपको एक क्या स्पीच तैयार करना है, ठीक है। तो जब आप ये एक्सरसाइज जो आप करोगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं और मेरे बहुत बार बोलने के बाद भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आप बना के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको ज़रूर करिए, मेरा आपको यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब ये करोगे तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उन वर्ड्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ऐसे सिर्फ आपके दिमाग में मीनिंग रहेगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो वेयर ऑफ हो जाएगा, है ना। बट अगर आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो क्या रहेगा, वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है। सो बाय दिस वी एंड कम टू द एंड ऑफ द सेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज। एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि वो व्यूज तो आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग देख रहे हैं मगर वो लाइक करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करके जाइए, ज़रूर जाइए, ठीक है। और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करवाओगे या जितना शेयर करोगे वही हमारे लिए एक असली मोटिवेशन है,